इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने प्याज को तड़का लगा के डाला हुआ है क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए अभी आपको बाइट बनाते हैं। इनका नान चेक करें आप, पतले वाला नान है, रोटी और नान का समझने के दरमियान यार मुझे बड़ा मजा आता है जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मानिशा व्लॉग्स अगेन। आज हम आए हैं खाना ट्राई करने के लिए टेस्ट ऑफ कराची। कराची की बड़ी याद आ रही थी, कराची के खाने आपको पता है बड़े मशहूर हैं। हम भी कराची में रह के यार बड़े बड़े अच्छे खाने खाए हैं, आज हम उनको मिस कर रहे थे। उसकी याद ताज़ा करने के लिए हम आए हैं टेस्ट ऑफ कराची में। अज असी किस्ट ऑफ कराची का खाना इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, और तुहानू भी नाल दिखावांगे कि इन्हां दा खाना कैसा होंदा है। टाइम ज़ाया नहीं करते, बुक बहुत लगी है, सीधा अंदर। मौसम भी बड़ा अच्छा है, आज बड़ा मज़ा आ रहा है। सलाह अज तुम लैके चलते अंदर, आ जाओ अंदर चलते हैं, तै तुम्हें दिखाने इन्होंने खाने और ट्राई कराने। आ जाओ बिस्मिल्लाह करो। इधर ही बैठ जाते हैं, इनके पास भी बैठने के लिए बैठक टाइप जगह भी मौजूद है और इनके पास कुर्सियाँ टेबल भी हैं। हम जहाँ बैठेंगे, क्योंकि खाने का पास होने का बड़ा मज़ा आता है। जब भी आप यहाँ पे आएँ, इनकी जो पार्किंग है वो करनी पड़ती है रजिस्टर्ड, अदरवाइज आपको टिकट लग जाएगी। टिकट मुमकिन है 60 पाउंड की लगे, उससे बचने के लिए आपने पार्किंग इनकी करनी है रजिस्टर्ड। पाए आपको दिखाते हैं इनकी पार्किंग किस तरह करनी है रजिस्टर्ड। ठीक है भाई, ये इनके पास टैबलेट है, यहाँ पे हम अपनी गाड़ी करेंगे रजिस्टर्ड। लो जी मेन्यू मेरे सामने आ चुका है, अब आपको दिखाते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इनके पास ये ऑप्शंस स्टार्टर्स में हैं, ये जी कढ़ाई कराची स्पेशल और बिरयानी और चर्सी कढ़ाई, क्या बात है यार। ये तो सारे उन्होंने पूरी हमें एक तरह की किताब दे दी है पढ़ने के लिए। दतावा करीस शेयरिंग प्लेटर्स, यार ये कहना पड़ेगा शेयरिंग इज़ केयरिंग। ये आई ना मेन चीज़, नान रोटी किड्स मेन्यू लस्सी, ओह हो क्या बात है यार। लो जी ये नाश्ता भी कर देने, ये तो फिर आना पेगा सुबह सुबह भी। लो जी दी एंड हो गया। क्या मंगाना है यार, जो सस्ता है जो मज़ेदार है वो मंगाओ। कोई ऑफर है आज पे? नहीं सर ऑफर कोई नहीं। अच्छा इस तरह करें कि फिर जो है ना वो किधर गई, आप एक ऑर्डर करने रहे। नहीं 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 वो यही मंगाएंगे। एक जो है भाईजन निहारी ले आए, बीफ निहारी। हाँ जी बीफ निहारी, और एक जो है वो लैम हलीम ले आए। एक लैम हलीम जी, और 5 नान ले आए। 6 नान और सर जो भी चीज़ साथ में फ्री हो वो भी ले आए। 6 नान और कॉम्प्लीमेंट्री कोई भी चीज़ है वो। हाँ थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। यदील बड़ा खुश है जी, यदील हमें लेके आया खाने पे। क्यों यदील, खाना भी यदील की तरह। आइए ये जी हमारी स्पॉन्सर वीडियो है। स्पॉन्सर वीडियो है तुसी, और ये हमारा स्पॉन्सर है। भूख लगी है लगता है। हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, खाने में हमने की है निहारी और हलीम, इनकी दो चीज़ें स्पेशल हैं, हमने दोनों ऑर्डर कर दी है। मैं कहा मज़ा लेना है तो पूरा मज़ा लेना है, एक चीज़ छड़ के नहीं जानी। मैंने फिर बड़ा दुख होता है, साढ़ा खाना 15-20 मिनट लगन गए, खाना बन के आएगा। मीन वाइल तुम साढ़ा चैनल सब्सक्राइब करो, साड़ी वीडियोज़ को लाइक करो, और मेक श्योर करो कि साढ़ा चैनल तुम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, अपने फैमिली नाल अपने दोस्तों नाल। तुम जितनी ज़्यादा साड़ी वीडियो शेयर करोगे लाइक करोगे, इतना ही ज़्यादा सानू खुशी होएगी, और असं थोड़े लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस तरह दियाँ लैके आवेंगे जी। यार ये रेस्टोरेंट स्लो में, हम स्लो में ना मुझे लगता है मोहब्बत हो गई है। मैं 3-4 दफ़ा आ चुका हूँ यहाँ पे, इस आई डोंट नो मुझे स्लो पसंद आया है। यहाँ पे खाने अच्छे मिल जाते हैं, और जिस तरह का खाना आपको चाहिए वही मिल जाता है। अच्छा वकास साहब, एक हलीम होगी एक निहारी होगी, तो 4 बने हैं बहुत रास। दो किस चीज़ आप दो चीज़ें मिस हो गई, एक तो बिरयानी ऑर्डर नहीं की थी। अच्छा एक तो चिकन कढ़ाई लैम भी ऑर्डर नहीं की थी। उसकी वजह ना, उसकी वजह ये है भाई निहारी नाल तुसी कढ़ाई किस तरह खा सकते हो, निहारी का एक अपना टेस्ट है, तू लै का खा ले अपना टेस्ट है। नहीं सारा मजा गड़बड़ हो जाता। हां हां मजा खराब हो जाता बिल्कुल। इस हिसाब से जी मैं तो यही रिकमेंड किया कि पहले निहारी खा लिए फिर हलीम खा लिए,
टेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट तू रिकमेंड नहीं की तो बड़े पैसे बचाए जी पैसे नहीं बचाए लगते हैं जी भैया तो पैसे बचाए नहीं पैसे नहीं बचाए वैसे ही मेरा मूड सी कि आज मैं कढ़ाई नहीं खानी मैं निहारी ते हलीम खानी यकीन जानो अगर बिल मैं जड़ा हुंदा एक है वो भी मंगा लो ए भी मंगा लो बड़ा चौंदा है बड़ा बदबू है बड़ा मजा आएगा अपनी बार यही तो भाई साहब कहते हैं कि चलो रिकमेंडेशन नहीं नहीं बिल दी तो मैंने टेंशन हैगी नहीं सी क्योंकि स्पॉन्सर हैगी सी है ये गाइस ये वाली वीडियो हमारी स्पॉन्सर्ड है जी और इसके स्पॉन्सर्ड है हमारे छोटे भाई अदील भाई जहाँ जिन्होंने रिसेंटली क्रिकेट से रिजाइन दिया इसके ऊपर तो एक अलग वी लोग होना चाहिए बिल्कुल और मजे की गल है इन फोन आए लोग वेल डन अच्छा जी बाकी इस रेस्टोरेंट की खास गल जी मां पसंद है ना वो है इतों की सिटिंग जनाब तुम जिन्हें मर्जी थके हुए हो सोना तुम इतने आ जाओ आराम ना शूज इतने ला के आराम ना इतने बह जाओ ठीक है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ईजी हो गए जितने मर्जी पो बाकी थोड़े प्राइवेसी अगर चाहिए परदे लगे हुए परदे अगर कर लो तो जनाब तुम प्राइवेसी भी तुम मिल जाए अच्छा जी मैं वकास भाई को आज यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं और वकास कुछ अर्सा कराची में रहे हैं और कराची में हमने बहुत जगह निहारी और हलीम ट्राई की है ये जो दो डिशें हैं ये कराची की फेमस डिशें हैं इसलिए मैंने आज ये डिसाइड किया कि आज हम यहाँ आएंगे टेस्ट ऑफ कराची में और यहाँ से ट्राई करेंगे कराची की बेहतरीन हलीम और निहारी कराची के खाने वाकई बड़े अच्छे हैं मैं जिले भी याद करता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है दिल करता है कि बंदा कराची जाए वो खाना दोबारा खाए बस हूँ यूके आ गए और इधर ये खाने मिलते हैं वकास साहब ने देसी जट बंदे ने इन्हों पसंद है रोटी सालन ठीक है इन्होंने सिर्फ रोटी सालन ही खाना है इन्हों हलीम तो है जी दूजी चीज़ा नहीं पसंद यार तुम अज इन्हों जरा डिफरेंट किस्म की ट्राई करावे तो उम्मीद इन्होंने बड़ी पसंद आएगी तुम उ खाना ज्यादा शौक न खाते हो जो खाना थोड़ी माँ तुम्हें बुला कर देती है असं बचपन साड़ी माँ सू खाने खिलाती है रोटी सालन अंडा पराठा इस तरह चीज़ा असं खाते वे हुए हैं वो चीज़ा थोड़े जायके शामिल ने वो तुम छड़ नहीं सकते मैं ये नहीं कह रहा भी हलीम या जरा नहारी है ये तुम ना खाओ मैं बहुत शौक ना खाना और खावगा थोड़े सामने लेकिन जो थोड़ा खाना जो तुम ग्रां तो खाते हो वह खाने का मुकाबला हो ही नहीं सकता मैं बहुत सारे लोगों को जानना जेडे अपने यूके रहते हैं यूरोप अमेरिका वो जो अपने घर जाते ना पुराने घर से वो कहते यार ये जन्नत आज दो के यूके या यूरोप या अमेरिका अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं छड़ना नहीं चाहते लेकिन जो वापस जाते हो ना वो थोड़े नाल उसका एक लिंक होता है अच्छा वो कहां से लिंक तोड़ देते हो लिंक है 5G दबाए देवे खाने से तुम सैलड के शौकीन हो कि नहीं मैं वैसे खाना अगर आ जाए तो मैं सैलड दे मैं शौकीन हूं मैं शौकीन हूं और ट्राई करना सैलड कैसी है और जाओ फास्ट थिंग फास्ट मैं अदरक बड़ा पसंद है अच्छा स्पोर्ट्स ने पहले सैल चुकी है मैं पैसे देने नहीं तो मैं यार ए कम जाने ला सुगी तक रे हला तो ऐसा सैलड का भी तुम अच्छा बाइट ले सकते हो लैटस है नाल थोड़ा जा ओनियन है यार ए नई चीज मिली है अदरक और नाल थोड़ी अदरक भी ट्राई करते हैं बिल्कुल मजा नहीं आया अदरक नहीं खड़ोती भले बनाए शक्ल दिला हाँ जी विकास साहब अदरक नहीं माफ आया यार मर्च जड़िया ना बहुत ही कड़वी सन ये और बिल्कुल मजा नहीं आया ए बेटा मर्चा जेडियां ना ली मास आईया ना ये और मैं नाराज हो गया 5 मिनट से चलो विकास भाई नाराज हो गए 5 मिनट से नाराज हो गया अच्छी गल है असि इथे थोड़ी जी ब्रेक ले लेंदे हां तानू फिर ज्वाइन करदे हां तो जी हलीम आ गई लो जी साडी हलीम आ गई ने माशाल्लाह और ना ले आ गया जी साडी इनु की कहंदे ने यार न्यारी जी जी हलीम आ चुकी ना, है और ये हमारे नाम भी आ चुके हैं
आ जाओ जने कमर में पै जाओ और ये प्लेटें ये तो सुबह से आई हुई थी यहाँ पे, हम भी थोड़ा लेट आए। ये जी हमारा खाना आ चुका है, ये जी इनके हलीम है, चेक करें आप इनकी हलीम बहुत ही खुशबूदार लग रही है। कर दी है अब जहाँ पे तो लग रहा है दा जायका भी ठीक ही होएगा यार, गर्म बड़ी है वैसे। ये जी आपको दिखाते हैं कि जो न्यारी है इस पे मीट इनका कितना माशाल्लाह वेल डन हुआ है, पका हुआ है। ये देखो मीट यार, देखो हाथ लगाते साल ही जो है ना, क्या बात है यार, मजा आ गया है ना। शोरबा भी इनका बड़ा ही बेहतरीन लग रहा है। इनकी ग्रेवी भी बड़ी बेहतरीन लग रही है गाइस। अदील भाई ने काम शुरू कर लिया है ब्लॉग तो पहले ही, अदील भाई स्पॉन्सर ने, उन्हें कहा चलो मैं तो पहले खाना खावा कम से कम, ज्यादा ही गल है वैसे, पहले बढ़ाई शुरू कर यानी कि मैं इधर भी डाल दी। अब टाइम हो गया जी इनकी जो हलीम है उसका रिव्यू करने का। आप देख सकते हैं इन्होंने प्याज को तड़का लगा के ना ऊपर डाला हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू भाई, मेहरबानी भाई जान। अभी ट्राई करते हैं, कमाल है यार, बहुत मज़ा आया यार, बहुत मज़ा आया। ये देखें जी न्यारी की, अभी आपको बाइट बनाते हैं, थोड़े से साथ में प्याज लगाते हैं, सारे लगाते हैं, मुंह में पानी आ रहा है, बिस्मिल्लाह। यार इनका नान चेक करें आप, ये नान का साइज चेक करें और नान कितना बारीक है, कितना यानी कि खस्ता है, लेकिन खस्ता नान है, आप अंदाज़ा लगाए कि नान क्रंची भी है, नान का साइज भी बड़ा है, साइज बड़ा है, नान बहुत मोटे नान मिलते हैं बहुत सारी जगहों से, खाने का मज़ा नहीं आता, ये पतले वाला नान है, रोटी और नान का समझ लें कि दरमियानी कोई समझ लें कोई चीज़ है, बेहतरीन है, बहुत ही मज़ेदार है। अब न्यारी पे डालते हैं इसके जो बकाया लवाजमात थे, थोड़ी सी अदरक और मिर्चें, मैंने मिर्चें नहीं डालनी, मिर्चें बहुत ही इनकी कड़वी हैं, मैंने मिर्च नहीं डालनी थी। नहीं नहीं मिर्चें डालो यार मज़ा आएगा। थोड़ी सी सैलड डालते हैं, एक आधी मिर्च डाल लेते हैं उस बाद लेके फरमाइश पे। अब इन इसका एक बाइट बनाते हैं और अब इनके एक बड़ा बाइट ट्राई करते हैं। उम्मीद है कि मुझे मिर्चें तंग नहीं करेंगी, पिछली दफा बड़ा तंग किया था, सही बन रही है। चलो जी एक बाइट असी भी तुम बना दई है, जबरदस्त है यार। और थोड़ा सा छिड़कते हैं जी इस पे नींबू ऐसे अपनी बाइट के ऊपर, वाह। और एक आधी रख देते हैं जी मिर्च ऊपर, यार कराची की याद ताज़ा होगी। अब मेरी बारी है आपको इनकी निहारी ट्राई कराने की। निहारी यार इनकी बड़ी कमाल है, लुक एट दिस पीस, इसका आप मीट चेक करें और आपको अंदाज़ा होगा ये कितना लजीज है। बाकी यार बहुत ही सा मीट इनका, एक बाइट ट्राई करते हैं इसकी जो है ना ग्रेवी के साथ, आपके सामने थोड़ा बहुत साथ में इसकी लगाते हैं ग्रेवी, क्योंकि सारे पैसे जो है ना वो ग्रेवी के ही हैं। वाह मज़ा आ गया यार, ज़बरदस्त यार, कमाल का खाना बना, कमाल हो गया, बेहतरीन खाना बना हुआ, क्या बात है। लो जी गाइस खाना मुक गया जे फिर और फुल हो गए हैं, बल्कि मैं कहना एक्स्ट्रा फुल हो गए हैं। उस्मान भाई ने हार नहीं मनी,
ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਡੇ ਨਾ ਦੇ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੌਣ ਮੈਂ ਯਾਰੀ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਲੀਮ, ਹਲੀਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਆਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਖਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਪੌਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਸਾਫ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਪੌਂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਚਿਕ ਰੱਖੇ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹਲੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੈਸੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੜਕ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਨਾਂ ਖਾਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਨਾਂ ਸੀ। ਆਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਨੋਟ ਬੈਡ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਰਮ ਗਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਉਧਰ ਵਾਕਈ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਵਜ਼ਮਾਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਚਟਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਬਸ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਲਓ ਜੀ। ਜੋ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਣ ਦਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀਂਦਰ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਜਾਈਏ ਯਾਰ? ਕਸਮ ਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੇਟ ਕੇ ਦਿਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਕੱਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸਲ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਖਾਣ ਦਾ, ਇੰਜ ਖਾਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਸ ਚਾਹ ਪੀਏ, ਲੱਸੀ ਪੀਏ ਔਰ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ, ਸਕੂਨ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਆਹ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਹਾਂ ਹਮ ਆਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਜਾਤੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ, ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੋਂਸਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁੜ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਨਿਕਲੀਏ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀਏਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਲਾਜ਼ਮ ਖਾਣਾ, ਬਗੈਰ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਵਾਨਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਸੇ ਸਪੌਂਸਰ ਹੈ ਜੀ ਵਿਕਾਸਾ ਜੀ, ਬੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼। ਬੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਆਪਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟਸ ਮੇਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਚਾਹੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਨੀ ਹੈ, ਤੋ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ, ਹਮ ਆਪਕਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾਏਂਗੇ ਫਿਰ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਤੋ ਆਪ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਬੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ, ਇਹ ਆਪਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਹੈ ਆਸਮਾਨੋਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਆਪਕੋ ਇਨਕੀ ਨਿਆਰੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ? ਯਾਰ ਮੁਝੇ ਨਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਆਰੀ ਕੋ ਮੈਂ ਆਜ ਦੂੰਗਾ। ਨਿਆਰੀ ਕੋ ਕਿਤਨੇ ਦੂੰਗਾ? ਕਿਤਨੇ ਦੂੰਗਾ? ਦੇਨੇ ਤੁਮ ਨੇ ਮੁਝਸੇ ਪੂਛ ਰਹੇ, ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਨਿਆਰੀ ਕੋ ਮੈਂ ਦੂੰਗਾ ਜੀ 10 ਆਊਟ ਆਫ 8। 10 ਆਊਟ ਆਫ 8 ਇਹ ਕੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ, ਨਿਆਰੀ ਕੋ ਮੈਂ ਦੂੰਗਾ 8 ਆਊਟ ਆਫ 10। ਹਲੀਮ? ਹਲੀਮ ਕੋ ਮੈਂ ਦੂੰਗਾ 9 ਆਊਟ ਆਫ 10। ਨਾਨ? ਨਾਨ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 6.5। ਸੈਲਡ? ਸੈਲਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 6। ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 8। ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਜ਼ 8। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਇਨਕੀ ਸਿਟਿੰਗ, ਇਨਕਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਮਾਹੌਲ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਉਸਕਾ ਬੜਾ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ। ਰਿਲੈਕਸ ਆ, ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਕੰਜਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਯੂ ਨੋ, ਖਾਣੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ ਜੀ। ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ। ਨਿਆਰੀ ਯਾਰ ਇਨਕੀ ਜੋ ਨਿਆਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 6 out of 10 ਨਿਆਰੀ, ਸਪਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਓਵਰਆਲ ਖਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਹਲੀਮ ਇਨਕੀ ਜੋ ਹਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਹਲੀਮ ਹੈ 8 out of 10। ਇਨਕੀ ਜੋ ਨਾਨ ਥੇ ਉਹ 6 out of 10 ਨਾਨ, ਗਰਮ ਥੇ ਨਾਨ, ਅੱਛੇ ਵਾਲੇ ਥੇ, ਇਨਕੇ ਖਸਤਾ ਨਾਨ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਹੋਤੇ ਨਾ ਮਰੁਕੜੇ ਨਾਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮਰੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੈਲਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ? ਸੈਲਡ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਦਰਕ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਲਟਾ ਮੇਰਾ ਟੇਸਟ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਛੱਡੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਿਆਰੀ ਵੀ ਦੱਸ ਛੱਡੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਸਿਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਸਪੌਂਸਰ ਨੇ ਹਮੇਂ ਸੋਨੇ ਨਹੀਂ ਦੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਈਜ਼? ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮਿਲੇ, ਫਾਈਨ ਡਾਈਨਿੰਗ ਮਿਲੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਮੇਂ ਆਪ ਇਤਨਾ ਖਾਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੇ, ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲੇ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ? ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਬਾਈ? ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਹੈ? 31 pounds। ਹਮਾਰਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਜੀ 31 pounds। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚਾਰ ਬੰਦੋ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖਾਣੇ ਕਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਭੀ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਮਾਰੇ ਰਿਵਿਊ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਇਨਕੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ। ਅਭੀ ਹਮ ਆਪਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੀਟ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਲੈਟਸ ਗੋ। ਜਨਾਬ ਕਿਧਰ?
बस यार है, मिठा शिठा खान आए हैं। अच्छा स्पॉन्सर कह रहे हैं कि अजे भी जेब भी पैसे आए ने। अच्छा है? पैसे अजे भी बकाया है ने, थोड़े जे भजे पैसे रह गए ने, बचपन दा याद है ना, भजे पैसे रह जाते बंदा खा पी। पाजी इतने कुल्फी मिल जाएगी किसी दुकान तो? ओ जबरदस्त। अच्छा नहीं इस तो नहीं मिलने लगी, आ जाओ आगे चलो, ट्राई तो कर लो यार की पता मिल जाए। आ जा पाजी, की हाल है? ठीक ठाक, काम शाम ठीक चल रहे? सब ठीक ठाक। तेरे को कुल्फी होंगी? ओ जबरदस्त। कुछ हैं तो सही लेकिन वो वाली नहीं है जेडी सामने, कुल्फी नहीं है ना, कुल्फी नहीं है, वैसे है आइसक्रीम है वो, कुल्फी वाला डब्बा है केड़ा भाई, वो कुल्फी जेदे ने चार कुल्फियां होनी है ने, खोई वाली चार कुल्फियां ना दे भाई, पता नहीं उदा पर आई ने फट को जेडी। हां ठीक ठीक ठीक, मल्टी इधर भी है। ओके ओके ओके, देसी थोड़ी देसी वाली चाहने हैं इनको, सारियां ने इंग्लिश वाली कुल्फियां। हां हां है मेरा वीर, क्या बात है क्या बात है, इन्हें सारा पता है। जनाब कुल्फी की तलाश कर रहे हैं, कुल्फी इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे मिल जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इनको सारियां ही हैं, लेकिन वो नहीं इनके को इंग्लिश कुल्फियां बेशुमार हैं। हां वैरायटी बहुत है और दुकान बड़े देखे कि नहीं साफ सुथरी। हां ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਬੋਰਡਰ ਸਲੋਥ, ਇਹ ਅਨਕਰੀਬ ਬਲਕਿ ਅਨਕਰੀਬ ਕੀ ਹੋਣੀ ਇਤਨੀ ਇਤਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ? ਇਹ ਆਮ ਪੇ ਆ ਗਏ ਕੇਕ ਐਂਡ ਕੋ ਪੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਮਨੇ ਕਾ ਜੋ ਟੂਟੇ ਪੈਸੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਸਪੋਂਸਰ ਕੇ ਪਾਸ ਵੋ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਸਪੋਂਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਓ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਚੱਲ, ਚਲਾ ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੇਕ ਲੈ ਦਿਓ, ਕੋ ਦਿਖਾਣੀ ਬਲੈਕ ਫੋਰੈਸਟ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਜੀ ਹਮ ਆ ਗਏ ਕੇਕ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ। ਹਾਂ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੇਸਟਰੀ ਹੈ, ਪੇਸਟਰੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਪੇਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਾਈਸ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਫੋਰੈਸਟ ਕੇਕ, ਤੇ ਕੋਕੋਨਟ ਕੋਕੋਨਟ ਮੈਂ ਕੋਕੋਨਟ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਣੀ, ਇੱਕ ਬਜਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। बताओ कौन सी लेनी है, कौन सी होती है यार? मुझे तो ये वाली पसंद है और मुझे गाइस ये वाली कोकोनट वाली मुकाबला। अच्छा कर कर लियो, फंस गया। ओ कर लियो, अकड़ अकड़ बकड़ बम्बे बोर 80-90 पूरा 100। भाई आपको कौन सी पसंद है, यू लाइक दिस कोकोनट वन और यू लाइक दिस पिस्ताशियो वन, व्हिच वन पर्सनली यू लाइक? यार आपको कौन सी पसंद है आप? आई डोंट लाइक नट्स। ओह यू डोंट लाइक नट्स, सो व्हिच वन यू लाइक? बिस्कॉफ। नो क्लासिक। क्लासिक, so what is in the classic one? It's normal German fashion. Ah okay. Main ya fir coconut coconut se maza aati. Okay let's go for coconut. Coconut nahi yaar, coconut nahi, to fir tu eh le lo black forest. Okay black forest hai to, theek hai chalo theek hai, ki theek hai pistachio wali yaar, pistachio wali, pistachio koi shay nahi, koi shay nahi, pistachio ho si waise thalle थोड़ा जो सी वो घर में कोई पेन पिस्ता थोड़ा पा लगे यार, ये दे दे ब्लैक फॉरेस्ट वाली, ब्लैक फॉरेस्ट वन थोड़ी ज्यादा पाक देना यार, ऐसा पता नहीं क्यों शायद हमें तो जी बहुत मजा आ रहा है, अभी स्पॉन्सर के साथ फाइनल शॉपिंग हो रही है ये जी। चार चमचे देने पैसे, फोर स्पूंस, फोर पीपल, फोर स्पून चाहिए छोटे। लो जी असी केक ले लिया अपना, बल्कि पेस्ट्री ले ली, पेस्ट्री ले ली है थोड़ा सामने माशाल्लाह, इनू प्रॉपर खोल लेने ग्रां ना देना और डिग ना जाए,
शुरू कर दस दें यार ए मैं बड़ा मजा आता है जो चेहरी होंगी है ना ये खाने का बड़ा मजा आता है मैं समान ना खा ले पहले मैं चुक ले बिस्मिल्ला कर रहे हैं बस कर मां ट्राई कर दे ना यार मां ट्राई कर मैं ट्राई जनाब मैं तले वाले ट्राई करदा एक कैसा आता भला नाइस है यार वेरी नाइस क्या बात गाइस आज बड़ा मजा आया हमने बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह अब इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं आपसे इजाज़त चाहते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने व्हाट्सएप मैसेजेस में अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली के साथ आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़ लो जी असी हूँ चाह पीन भी आ गए इन्हें चाह की बहुत तलब हो रही है इन्हें कहे चाह पी कर जाना स्पॉन्सर दस गया स्पॉन्सर दस गया स्पॉन्सर थक चुके बैलेंस चेक कर रहे वही ना बचत कितना मीन वेल मैं सू चाह की कीमत चेक कराना हेलो कैसे चाय कितने की है चीपेस्ट ये दोस्त आया बजट कम है तो दिस इज द चीपेस्ट नो ये सारी चाहिए इसमें से मैंने कहा देख ले आपको अच्छा 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 1 पाउंड की नहीं नहीं 1 पाउंड की नहीं ये मुझे तो लगता है 2 पाउंड की चीपेस्ट की है कौन सा अच्छा या दो चाय जो नॉर्मल चलती है अच्छा ये 275 और बाकी कौन से हिसाब से 2 पाउंड वाली कौन सी है 2 पाउंड वाली नहीं है अच्छा अच्छा हां जी ये 275 की 2 ये तो बाकी इंग्लिश टी वगैरह है ओके ओके तुम बेटा अभी घर जाके अम्मी को कहना चाय बना दे या बाजी को अच्छा जी चलो तुम कासिम जी जी लेट्स गो ओके थैंक यू नहीं वो अच्छी है चाय स्पोंसर भाग गया हमारा वो बाहर चला गया यार बड़े ज़ालिम लोग हैं वैसे हाँ चाय हमें नहीं पिलाई